आज की वीडियो में सिल्वर डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। और ये डिजाइन आप कुर्ती ब्लाउज किसी में भी डाल सकते हैं। तो ये डिजाइन हमारी ये डोरी से बनेगी, तो ये मैंने डोरी बना ली है। और इस तरह की डोरी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो देखिए मैंने ये स्लिप भी कट कर लिया है, पेपर पर ड्राफ्ट कर लिया। आपको साइज बता देती हूँ, देखिए ये मैंने 7.5 इंच मैंने स्लिप ली है लंबाई जो है, और इसकी विड्थ जो है 10.5 इंच है। तो आप अपने साइज के अनुसार स्लीव ले सकते हैं। तो जो हम डिजाइन देने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। तो जो हमारी स्लीव रहेगी इसमें बीच में गैप भी रहेगा, डिजाइन भी रहेगी। तो हम यहाँ पर 5 इंच ले लेते हैं, पहले 5 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग कर लेते हैं स्ट्रेट, क्योंकि आप पहले पेपर पर ड्राफ्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कपड़े की बचत हो जाएगी। तो देखिए मैंने इस तरह से ड्राफ्ट कर लिया है। और जो हमारा ये 2 इंच बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम 1 इंच का यहाँ पे गैप देने वाले हैं, उसका मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए ये मार्किंग हो चुका है। तो जो ये 1 इंच का है ये हमारा यहाँ पर डोरी आएंगी, और जो ये 1 इंच बचा है यहाँ पर स्ट्रेट एक पट्टी आएगी। तो यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से है। तो एक पट्टी हमारी नीचे की तरफ हो जाएगी, ये जो पट्टी है इसको हम साइड में रख देते हैं। और इसके लिए हम पेपर ले लेते हैं, तो पेपर पर मार्किंग कर लेते हैं। देखिए जो एक पार्ट है इसको हम रखेंगे, एक पार्ट है इसको निकाल देंगे। तो देखिए जो एक पार्ट हमने निकाल दिया है उसके लिए मैंने ये पेपर लिया है। तो देखिए इसकी चौड़ाई मैंने 2.25 इंच ली है, और इसकी हम गुलाई अपने साइज के अनुसार दे लेते हैं मोहरी में। तो इस पार्ट को हम यहाँ पर पहले सेट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी बन जाएगा फिर आपका साइज के अनुसार ही आपको चाहिए। तो यहाँ से हमने इस तरह से तैयार में 8.5 इंच ले लेते हैं। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से आएगा ये। अभी हम यहाँ पर डिजाइन देने वाले हैं डोरी की। तो देखिए जो डोरी है इसके हम पीस कर लेते हैं। तो जो पीस कर रहे हैं हम ये 3 इंच के ले लेते हैं, और 3-3 इंच के सारे पीसे हम कट कर लेंगे। ये पीस हमारे कुछ इस तरह से कट हो जाएंगे और फिर हम इसमें डिजाइन करते हैं। तो पहले कट कर लेते हैं सारे पीस। तो देखिए मैंने ये अभी पट्टी कुछ कट कर ली है, और आपको यहाँ पे मार्किंग बता देती हूँ। तो देखिए उसके लिए हम ये टेप ले लेते हैं, तो एक साइड से लेते हैं। तो यहाँ से आप इसको भी एक जैसा कर देते हैं, क्योंकि वो तो मार्जिन में चला जाएगा, जो नीचे का है उसी हिसाब से मार्किंग कर लें। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच छोड़ देते हैं इस तरह से, जैसे ये पेपर है तो थोड़ा मुश्किल रहेगी। तो देखिए 1.5 इंच मैंने ले लिया, फिर से 1.5 इंच लेंगे, और इसी तरह 1.5 इंच में पूरे मार्किंग कर लेंगे। और सेम यहाँ पर भी हम इसी तरह से मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर ही। तो आपको जो मार्किंग करनी है दोनों साइडों में 1.5 इंच ले लें, और आप इस तरह से देखेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर का ही गैप रहेगा दोनों साइडों में। तो ये सारी मार्किंग कर लूँगी, और उसके बाद जो हमारी डोरी है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग किया है, तो ये डिजाइन हमारी इस तरह से यहाँ का 1.5, फिर हमारा नीचे वाला साइड का जाएगा, और जो ऊपर की तरफ आएगा ये इस तरह से आएगा। तो जो भी हमारी मार्किंग रहेगी सभी मार्किंगें हम इस तरह से 1.5 इंच में कर लेंगे ऊपर और नीचे की, और फिर हम इन डोरियों को इसमें अटैच करेंगे। और जो ये पार्ट है इस ड्राफ्ट को रख के मैं स्लिप भी कट कर लेती हूँ, और जो नीचे का ये पट्टी है इसके लिए हम स्ट्रेट पीस कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पूरा मार्किंग कर लिया था, जितने हमने पॉइंट लगाए थे सभी पे मार्किंग कर लिए दोनों साइडों में। और जो हमने ये डोरी कट की थी, हम डोरी को यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में रखेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको ये डोरी सेट करनी है। तो पहले हम एक साइड में इसी तरह से सेट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम जो हमारा ये दूसरा पॉइंट रहता है इसमें दो डोरी एक साथ आएंगी यहाँ पे। तो देखिए जो हमारी एक तरफ दो डोरी एक साथ आ रही हैं, इस पॉइंट पे भी दो डोरी एक साथ हैं, इस पे भी हैं, और जब हम इस साइड में भी करेंगे तो सेम इस साइड में भी इसी तरह से हमारी दोनों डोरी एक ही साथ सेट होंगी। तो इसकी डिजाइन जो है कुछ हमारी इस तरह से बनेगी। तो इसी तरह मैं पूरे में अटैच कर लेती हूँ, और सेम इसी तरह नीचे भी स्टिचिंग डाल दूंगी, जैसे हमने यहाँ पर सेट कर रहे हैं। यहाँ तो हमको कुछ करना भी नहीं है, खाली सिलाई डालकर ही सेट करना है, क्योंकि डोरी हमारी ऑलरेडी लगी हुई है।
तो देखिए ये डोरी मैंने पूरी एक लाइन स्टिच कर ली है, देख रहे हैं सभी पॉइंटों पे दो दो डोरी हैं। अभी हम सेम यहाँ पर भी इसी तरह से सेट करेंगे, तो यहाँ पर भी सभी पॉइंटों पे दो दो डोरी आएंगी। तो ये सभी में स्टिच डाल देती हूँ। तो देखिए ये पूरे मैंने जैसे बताया था दोनों पॉइंटों पे हमारे इस तरह से डबल डबल डोरी आएंगी। और इस डोरी को देखिए जो हमने मोहरी के लिए नीचे कपड़ा लिया था, तो देखिए ये हमारी स्लिप थी, तो एक पार्ट तो हमारा यहाँ पे स्लिप की तरफ अटैच हो जाएगा इस तरह से। और देखिए दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर जो कि हमने बोला था यहाँ पर 1 इंच का हमारा ये बॉर्डर आएगा। तो पहले हम इस पेपर को इसमें अटैच कर लेते हैं और फिर हम स्लिप में लगा के इसकी फिनिशिंग दे लेंगे। तो पेपर को हमने उल्टा रखेंगे जो डिज़ाइन हमारी नीचे की तरफ रहेगी, और इस तरह से हम इसमें स्टिच डाल देते हैं। इस तरह से देखिए सिलाई डालने के बाद खोल दिया है, और अभी हम यहाँ पे फोल्ड करके इस तरह से इसकी फिनिशिंग दे देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये स्टिच भी कर दिया, किनारे पे भी सिलाई डाल दी है, और जो हमारी ये स्लिप है इसमें हम अटैच करते हैं। जैसे आपकी लाइनिंग वाली स्लिप है तो लाइनिंग के साथ पहले तैयार कर लें स्लिप को, और देखिए फिर हम यहाँ पे इस तरह से किनारे पे सिलाई डालते हुए यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से फिनिशिंग दे दी है, अभी हम पेपर को निकाल देते हैं। इसी तरह पूरे पेपर को निकाल देंगे। तो देखिए जो पेपर था वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, और इस साइड से भी निकाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारी इस तरह से फिनिशिंग आ रही है, यहाँ पर इस तरह से आ रही है। और देखिए जो हमारी ये डिज़ाइन थी यहाँ पे मैंने एक एक स्टोन लिया है, आप चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं, जिससे क्या है हमारा स्लिप का लुक और भी अच्छा आ सके। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी स्लिप डिज़ाइन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।